ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਰ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 8 ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਈ ਡੈਂਪਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਲੰਗਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਓ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ। चाय का लंगर छक के जाना जी, चाय का लंगर। वाहेगुरु जी, चाय का लंगर छक के जाना जी। हाँ भाई, ठेले वाले हो, चाय का लंगर छक के। भाई ठेले वाले सेट बना रहे हो, चाय का लंगर छक के जाना जी, चाय का लंगर। पर आए हो, चाय का लंगर छक के जाना। चाय का लंगर छक के जाना जी, सत्कार करो। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਬੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 50 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਫਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ।
माता जी को जी एक कपड़े वाली खुरकी सी खुशी सी जी एक कश्ती सी वो चोरी करनी ये जान के कि ये सोना जा हीरे द्वारा अद्धी रात को चोरी की पई रैन खुरकी तीन दीनी चाके चोए में गट दीनी ते पिंड के बाहर वार एक रेतला चोह सी थोड़ा कवा खुशी करके दब दिता। सवेर का दिन चढ़िया तकरीबन 9:00 की सवेर तो जिस वेले माता जी ने देखा कि उस मंजे के कोल जी खुरकी का कटरी रखी पई थी वो हूँ उसे नहीं है पर उन्होंने गंगू ने बड़े प्यार से रखा कि गंगू इस जगह के उपर एक कटरी रखी सी वो इतने नहीं है कि तू चुकी रखी है तो अगों गंगू के शब्द ने सम ग्रह राक्षस अपने तुम को सहमत कि मैं तो सत्कार के नाल गुरु की मां जान के ते गुरु के पुत्र जान के तहानू अपने घर के लिए शरण दिखी तो तू मनो माता सोवर होने की तुम्हत ला दी हम ग्रह रख के अपने तुम हम को तहमत दे तो माता जी जिन्होंने मैं तहमत तो लगाई मैं तो सिर्फ इन्ना सवाल किया कि उसकी बकरी सही थी तो उसे नहीं है पर जो पुत तू चोरी कर भी नहीं है तो फिर की पाया तू मंग के भी लै लेता मैं तो नहीं तेन दे दूंगी उस कमरे नू बाहरों बंद किया ते मरिंडे पहुंच गया। मरिंडे का जिहड़ा फौजदार है दो भरा सन जानी खान ते मानी खान ते इह जिहड़ा परगड़ा सरहद के अधीन आउंदे सन इसने जाके उन्हां नू इह खबर दित्ती क्योंकि जानी खान ते मानी खान मरिंडे वाले मैं कल भी गल कीती सी कि चमकौर दी जंग दे विच वी सन ते वापर रहे सारे घटनाक्रम दा उन्हां नू पता सी। जदों गंगू ने उन्होंने दरबार में जाके ये सूचना दी कि हुकूमत के जिस बागी को फौजा लंघ रही ने तो जिस हुकूमत के बागी ने चमकौर की गढ़ी के इन्ने मुगल सेनापति इन्ने सैनिक जड़े ने वो मौत के घाट उतार दिते ने उस हुकूमत के बागी की माता और उसके पुत्र जड़े ने उस गंगू के उस वे फौजा लैके आ गए साहबजादे वस्त्रां का रंग जोड़ा एक अहमियत नहीं रखता तो मैं तुहाडे नाल इस करके गल्लां सांझियां कर रहा कि जो अजकल साडे कलाकार जां साडे पेंटर जां साडे जिन्ने भी मुसव्वर ने जिन्ने भी कलाकृत तैयार करते हैं किसी ने साहबजादे नूं कोई वस्त्र पहनाए होंगे नहीं किसी ने कोई पहनाए होंगे पर जो साडे इतिहासक स्रोतों में इस गल का जिक्र मिलता है कि नील झगड़िया तन पे ऐसे बिजली शाम अंबर में पैसे तो सानू इन्हों छोटिया छोटिया गलों का ख्याल रखना चाहिए कि जिस वे साहबजाद गिरफ्तार किया गया या फिर उन्होंने शहादत हुई तो उन्होंने वस्त्रों का रंग गया दुनिया दिन बाकी कौमें तो इस गल का बहुत ख्याल रखती है साड़ी कित ना कित लापरवाही बहुत है अपने इतिहास को लैके जो कुछ मर्जी मंच के उपरों बिना किसी सबूत को कह दिता जाए असी चितारा खाती देंगे असी कभी भी उन्हें तथ्यों का प्रसार करता जतन नहीं करता पर यह चंगी गल है कि जो हम मरिंडे वाली जोड़ी जेल है उसके बारे से
सदा पर दुनिया च इदा का कोई सूरमा पैदा ही नहीं होया जेड़ा मैदाने जंग च मैनू मिटा सके। मैं अपनी इच्छा नाल समा आण ते खंजर दी भेड़ चढ़ा। जे गुरु गोबिंद सिंह नूं कोई मारन वाला पैदा होया हुंदा ते 14 जंगां च कोई ना कोई मार आता नहीं। अवतार मर्जी नाल प्रगट हुंदे ने, मर्जी नाल लुप्त हुंदे। जदों उमरा पूरी हो गई आप ही खेड रची खंजर दे नाल अंत हुंदा है पंज पुत्र शरीर दा, क्योंकि शहीद खिलाउणा चाहुंदे सी। जंग विच कोई मारन वाला पैदा नहीं सी होया। सारी खेड गुरु दे हुकम विच है। मैं नहीं कहिंदा मारी खेडी है गुरदेव मारे कुछ नहीं। गुर कीता लोरे सो होए नथिंग इज बियॉन्ड गुरु गोबिंद। जो चाहे वो कर सकता। खैर बहराई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद, ताला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्ही से जाबाज से बोले गुरु गोबिंद। लुआओ तने पाक बे हथियार सजा दे, छोटी सी कमर नन्ही सी तलवार सजा दे। हाँ बच्चा अगे मां तैयार करती सी, अज फिर मैं तैयार दमाले ने तलवी लाई, कमर कस्से की छोटी तलवार कटी, वीरां नाल पछा भर दिता। बाबू आखन लगा मैदाने जंग विच दुश्मनां दे सिर लाई, पर याद रखी बाबा जुझार सिंह हो सकता है दुश्मन तेरे ते वार करे ते तेरी छाती नूं तीर मिल दे, तेरे शरीर को नेजे मिल दे, पर बचिया सी नहीं करनी। जब रब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं करना। ये तू दर्द दे विच गलदान हो गया लुकाई आखेगी बच्चा सिया प्राप्त कर दे। सत्संग जी धन गुरु गोबिंद सिंह सरदार जगजीत सिंह जी स्टेज ते पहुंच चुके ने। वाहेगुरु वाहेगुरु हरदान पाल साडे दर्शन होए सरदार जगजीत सिंह दे जज। वाहेगुरु वाहेगुरु बैरियर तो अगे तो वाहगुरु बैरियर ढा दिया करो जो गड्डिया गड्डिया हो। वाहगुरु वाहगुरु अपना अमरिंदर सिंह सरदार साहब मोबाइल चलाओ जी, रोड कटोगे फोटो द्वार से खिंच लो। वाहगुरु वाहगुरु जान प्यारी है जिंदगी प्यारी सेवादार सानू ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਲਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨੀਂਦ ਸਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ।
सोना जा ही गुजारा अद्धी रात को चोरी की भई रैन खुरकी तीन दीनी चाके चोए में कट दीनी पिंड के बाहर बार एक रेतला चोर सी थोड़ा कवा पुटकी करके दब दिता। सवेर का दिन चढ़िया तकरीबन 9:00 सवेर जिस वेले माता जी ने देखा कि उस मंजे के कोल जी खुरकी का कतरी रखी पड़ी थी वो हूँ उसे नहीं है पर उन्होंने गंगू ने बड़े प्यार से रखा कि गंगू इस जगह के उपर एक कतरी रखी थी वो इतने नहीं है कि तू चक्के रखी है तो अगों गंगू के शब्द ने हम ग्रह राक्षस अपने तुम हम उसको सहमत मैं तो सत्कार के नाल गुरु की मां जान के गुरु के पुत्र जान के तहानू अपने घर को शरण दी तो तू मनो माता चोर होने की तुमत ला दी हम ग्रह रख के अपने तुम हम को तहमत दे तो माता जी तुम्हें मैं तहमत तो लगाई मैं तो सिर्फ इन्ना सवाल किया कि उसकी बकरी सही थी तो उसे नहीं है पर जे पुत तू चोरी कर भी ली है तो चोर की पाया तू मंग चू भी लै लेता मैं तो नहीं तेन दे ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਮਾਰਨੇ।